हम लोग एक घंटे से टिम्बर ट्रेल की ट्रॉली में फंसे हुए हैं, ऊपर से नीचे आ रहे थे। और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो हम लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय किया जाए। रंगला टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जी। छुट्टियां के दिन चल रहे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं और कई लोग पहाड़ों वाल जा रहे हैं, पर कई लोगों को इस दौरान दिक्कतों का सामना भी करना पै रहा है। बीते दिन एक मामला सामने आया कि जदों घूमने गए 11 सैलानी ने जिहड़े हवा के लटक गए थे, उन्हां दी जान है जिहड़ी हवा के अटकी हुई थी। कई घंटिया तक सैलानी हवा के कई फुट की उचाई के उत्ते फसे रहे, जिस तों बाद बड़ी मुश्किल दे नाल प्रशासन के वलों उन्हां दा रेस्क्यू किया गया अते उन्हां नूं थल्ले उतारिया गया। दस दिए कि हिमाचल प्रदेश के परवाणु तों इह मामला सामने आया जिथे घूमण गए सैलानी कई फुट हवा के लटके रहे थे, कई घंटिया तक उत्थे ही फसे रहे। केवल कार दे विच तकनीकी खराबी आने के कारण यह मामला सामने आया सी। हिमाचल प्रदेश के परवाणु का यह मामला है जिथे घूमण गए सैलानी ने जिहड़े उह हवा दे विच अटक जांदे ने। दस दिए कि जदों सैलानी वापस अपने रिजॉर्ट वल नूं परत रहे सी तां इसे दौरान जिहड़ी केवल कार है उस दे विच कुछ तकनीकी खराबी आउंदी है, जिस कारण सैलानी हवा दे विच ही अटक जांदे ने, जिस तों बाद प्रशासन नूं भी हत्थां पैरां दी पै जांदी है ते लगातार जिहड़ा बचाव कार दा उत्थे शुरू कीता जांदा, जिस तों बाद हिमाचल प्रदेश दे मुख मंत्री जयराम ठाकुर नूं भी उत्थे पहुंचना पैंदा है ते कई जिहड़े विधायक मंत्री हुंदे ने वह भी उत्थे लगातार पहुँचते हैं, जिस तों बाद बचाव कार्य शुरू किया जाता ते 3 घंटिया तो ज़्यादा समा लगता है लोगों को बचाउण दे लई। दस दिए कि कुल 11 लोग सन जिहड़े उस केवल कार दे विच फसे हुए सी। तकनीकी खराबी आउण दे कारण मामला सामने आया सी, कोई पहला मामला नहीं, इस तों पहला भी बहुत सारे अजिहे मामले सामने आ चुके ने जदों केवल कार दे विच दिक्कत आउण कारण लोग ने जिहड़े हवा दे विच अटक जांदे ने, हवा दे विच लटके रहिंदे ने ते कई घंटिया तक लोगों दीआं जिहड़ियां लोगों दे जिहड़े साह ने उह सुक्के रहिंदे ने, क्योंकि जदों व्यक्ति एक कई फुट की उचाई के उत्ते फसया हुंदा है तां थल्ले उसनूं मौत ही नज़र आउंदी है। तां दस दईए कि मामला बीते दिन दा है जदों केवल कार दे विच दिक्कत आई सी, और इह पहला मामला नहीं है, इस तों पहलां भी कसौली तहसील दे परवाणु खेत्र दे विच अजिहा ही मामला सामने आया सी, जदों 10 लोग सी जिहड़े उह ट्रॉली दे विच इसे तरीके नाल फसे सी। अक्तूबर 1992 का मामला सी जदों 10 लोग सी जिहड़े उह हवा दे विच अटके सीगे, तां इस दौरान एक व्यक्ति की जिहड़ी जान भी चले गई सी। 3 दिनां तक लोग ने जिहड़े उह हवा दे विच फसे रहे सी, लटके रहे सी। 3 दिनां बाद एयरफोर्स ते आर्मी के जवानों वल्लों रेस्क्यू ऑपरेशन करके इन्हां लोगों नूं बचाया गया सी। 11 अक्तूबर 1992 नूं जिहड़ा इह मामला सामने आया सी अते 13 अक्तूबर नूं जिहड़े लोग ने उन्हां नूं बचाया गया सी, थल्ले उतारिया गया सी। सो बीते दिन भी यह मामला सामने आया, 3 घंटिया तक जिहड़े लोग ने 3 घंटिया तो ज़्यादा समय तक उस केबल कार दे विच फसे रहे ते 3 घंटिया तो बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन्हां नूं बचाया गया ते रस्सी के जरिए जिहड़ा उन्हां नूं बचाया गया है। तस्वीरां तुसीं लगातार स्क्रीन दे उत्ते देख रहे हो कि ट्रॉली दे विच लोग फसे हुए ने और किस तरीके नाल उन्हां नूं बचाउण दीआं जिहड़ियां कोशिशां चल रहियां ने, और लगातार जिहड़े अजिहे मामले सामने आउंदे रहिंदे ने। केवल कार दे विच दिक्कत आउण दे कारण अक्सर अजिहे मामले सामने आउंदे ने। इस तों पहलां झारखंड का एक मामला सामने आया सी जदों श्रद्धालु ने जिहड़े 50 दे करीब श्रद्धालु सन जिहड़े हवा दे विच लटके सी ते उन्हां नूं बचाउण दे लई भी आर्मी दे वल्लों रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया सी। तां हुण हिमाचल प्रदेश दे विच मामला सामने आया जिथे हवा दे विच जिहड़े सैलानी ने वो अटके सी ते उन्हां नूं बचाउण दे लई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, रस्सी दे जिहड़े जरिए जिहड़े सैलानी से उन्हां नूं थल्ले उतारिया गया। तां किते ना किते प्रशासन दे उत्ते भी सवाल खड़े हो रहे ने कि आखिर रस्सी दे नाल ही इन्हां सैलानियों नूं बचाया जा सकदे जां इस तों इलावा कोई होर जिहड़ा बचाव कार्य चला के उन्हां नूं सौखे तरीके दे नाल कि नहीं बचाया जा सकती, तो इत्थे किते ना किते प्रशासन दे उत्ते भी सवाल खड़े हो रहे ने। उत्थे जिहड़े लोग ट्रॉली दे विच फसे हुए सी उन्हां दे वल्लों भी सवाल चुके गए सी, जदों रेस्क्यू ऑपरेशन करन दे लई जिहड़े अधिकारी ने ट्रॉली तक पहुँच करदे ने तां अते सैलानियों नूं कहिंदे ने कि उन्हां नूं रस्सी दे जरिए थल्ले उतारिया जाएगा, तां पहलां सैलानियों दे वल्लों भी इनकार किया गया सी। उन्हां दा कहिणा सी कि उह रस्सी दे नाल हेठां नहीं उतर सकते क्योंकि कई फुट की उचाई तो
इस तरीके दे नाल थल्ले उतरना सौखा नहीं है। तो सैलानियों के वालों भी सवाल चुके गए सी, उत्थे ही किते ना किते प्रशासन भी हुण सवालों के घेरे च है। पर यह भी कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा जिहड़ा हुण उह बचा है, बचा रहा है, क्योंकि 11 लोग सन जिहड़े उस ट्रॉली दे विच फसे हुए सी ते 3 घंटिया तो ज़्यादा समय तक जिहड़ा बचा कार्ज चलिया ते 3 घंटिया तो बाद उन्हां सारे लोगों नूं सुरक्षित थले ला लिया गया है, थले उतार लिया गया है। हम लोग 1 घंटे से टिम्बर ट्रेल की ट्रॉली में फंसे हुए हैं, ऊपर से नीचे आ रहे थे और अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हुई है, तो हम लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय किया जाए। इसमें बुजुर्ग लेडीज है और बुजुर्ग लोग हैं, रस्सी और लगने की बातें कर रहे हैं हमारे को, और कभी कैसे रस्सी से उतारेंगे, कभी कह रहे हैं मेरे पैर में दर्द है। हम लोगों की एज भी है, देखो हम लोग नहीं ये नहीं कर पाएंगे रस्सी से उतरना नीचे, और ये लोग कुछ नहीं एक्शन ले पा रहे हैं। भाई साहब आप कितनी देर से फंसे हुए हैं? मैं सब 1 घंटा हो गया, घबराहट हो रही है बहुत, बीपी का मरीज कैसे करूंगा, मैंने कुछ खाया ही नहीं। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से आया था, मेरा शुगर का मरीज हूँ मैं। मेरे को 1 घंटा हो गया जी, मेरे को बीपी का भाई साहब रहता है, मेरे को 1 घंटा हो गया है, बीपी शुगर रहता है, और मैं इतने देर तो काफी की कोशिश तो कर ही रहे हैं, कभी कह रहे रस्सी से उतारेंगे, कभी कह रहे इससे उतारेंगे, ये लोग रस्सी उतारने लायक है और जंगल में कहां रहेंगे हम लोग। भाई साहब आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, आप अपने मैनेजमेंट को क्यों नहीं बोल रहे? कर रहे सर, कर रहे। क्या कार्रवाई कर रहे हो 1 घंटे से बताओ, कैसे उतारोगे इन लोगों को? रेस्क्यू कर रहे करेंगे सर, रेस्क्यू करेंगे, रेस्क्यू करेंगे, हम रेस्क्यू करेंगे। रस्सी बहुत लगने की बातें कर रहे हैं हमारे को, और कभी कैसे रस्सी से उतारेंगे, कभी कह रहे हैं मेरे पैर में दर्द है। हम लोगों की एज भी है, देखो हम लोग नहीं ये नहीं कर पाएंगे रस्सी से उतरना नीचे, और ये लोग कुछ नहीं एक्शन ले पा रहे हैं। भाई साहब आप कितनी देर से फंसे हुए हैं? मैं सब 1 घंटा हो गया, घबराहट हो रही है बहुत, बीपी का मरीज कैसे करूंगा, मैंने कुछ खाया ही नहीं। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से आया था, मेरा शुगर का मरीज हूँ मैं। मेरे को 1 घंटा हो गया जी, मेरे को बीपी का भाई शुगर रहता है, मेरे को 1 घंटा हो गया है, बीपी शुगर रहता है, और मैं इतने देर तो काफी की कोशिश तो कर ही रहे हैं, कभी कह रहे रस्सी से उतारेंगे, कभी कह रहे इससे उतारेंगे, ये लोग रस्सी से उतरने लायक है और जंगल में कहां रहेंगे हम लोग। भाई साहब आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, आप अपने मैनेजमेंट को क्यों नहीं बोल रहे? कर रहे सर, कर रहे। क्या कार्रवाई कर रहे हो 1 घंटे से बताओ, कैसे उतारोगे इन लोगों को? रेस्क्यू करेंगे सर, रेस्क्यू करेंगे, रेस्क्यू करेंगे, हम रेस्क्यू करेंगे।